कच्चे मकानों को दबंग होने से निर्दोष कर दिया। इस मामले में पीड़ित परिवारों के साथ स्थानीय लोगों ने भी गुस्सा जताया, तो बाद में एसडीएम मौके पर पहुंचे और मामले की जांच की बात कही है। तो वहीं बताया जा रहा है कि इसको लेकर मामला कोर्ट में विचाराधीन है। 5:30 बजे करीब में राकेश ताम्रकार जी 3 जीसीबी लेके आए और हमारे घर के दादी और क्या कहते हैं भाभी जे लोग गए थे मार्केट, भाभी गई थी हॉस्पिटल, तो राकेश ताम्रकार जी ने आके मकान पूरा तोड़ दिया और हमने बोलती रहे भैया क्या कर रहे हो, हमने पास में अब चेका है नोटिस मोटिस का तो आपने कुछ नहीं दिया, फिर भी मकान तोड़ रहे हैं। तो राकेश ताम्रकार जी ने मुझे गाली बकी, कह ले तोड़ रहे जा तो उससे जो बने कर ले, पहले तेरे जैसे चमड़ा बहुत सी बहुत सी चले गए। मेरे पास अभी वो कुछ लोग आए भी थे तो मामला मैंने जब जांच की है अभी प्रथम दृष्टया तो कार्यालय से प्रकरण वगैरह मंगा के देखे कि पता चला था कि तहसीलदार के आदेश से ये सब कार्रवाई हुई है, तो मैंने तहसीलदार का प्रकरण मंगा करके देखा तो वो धारा 250 MP LRC का एक बेजा कब्जा का प्रकरण था और उसमें विधिवत तहसीलदार के द्वारा पूर्व में आदेश पारित किए जा चुके हैं, उन आदेश के पालन में अतिक्रमण हटाने की और कब्जा सौंपने की कार्रवाई हो चुकी थी और उसी अनुक्रम में ये कुछ मकान वगैरह वहाँ बने हुए थे तो उनको आज ये हटाने की कुछ कार्रवाई मौके पे हुई है, उससे पीड़ित होकर के वो पीड़ित परिवार मेरे पास आए हुए थे।